हेलो एडिटर, भावे मैकी है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। ये प्रॉब्लम हमें भेजा है फ्रांसिस्को ने, जो मेक्सिको का रहने वाले हैं, और उनका कहना है कि जब एम्प्टी ट्रैक को डिलीट करते हैं तो हमारी दूसरी ट्रैक पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मेन ट्रैक को फॉलो नहीं करती। उन्होंने हमें वीडियो भी भेजा है, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हमने हमारा फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 12.0.16 वर्जन। यहाँ पर मैंने ट्रैक लगा कर रखी है। यहाँ पर जो एम्प्टी ट्रैक, उनका कहना है कि ये एम्प्टी ट्रैक को हम डिलीट करते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ तो सिर्फ नीचे वाली ट्रैक मूव होती है। जो ट्रैक हम डिलीट करते हैं वही ट्रैक मूव होती है, लेकिन ऊपर वाली कोई ट्रैक मूव होती नहीं है। उनका कहना है कि इसे इस वाली ट्रैक को डिलीट करते ऊपर वाली ट्रैक भी मूव होनी चाहिए इसके साथ साथ में। तो हम उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, हम इसको ग्रुप करेंगे। अब पता नहीं इसको ग्रुप करने के बाद ये होता है कि नहीं होता है, या फिल्मोरा 12 का बग है या क्या है, पता नहीं। हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद ये सारी ट्रैक हम मूव करते हैं तो सारी ट्रैक मूव होती है, लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, ये एम्प्टी ट्रैक को यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये ग्रुप हमारी की हुई ट्रैक अनग्रुप हो जाती है, अपने आप ही अनग्रुप हो जाती है, और नीचे वाली ट्रैक ही मूव होती है लेकिन ऊपर वाली ट्रैक मूव होती नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले इसे अनग्रुप कर लेते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें एम्प्टी ट्रैक को सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर हमें करके हमें रिपर डिलीट पर क्लिक करना है। दैट्स इट, हो गया। फिर से ट्राई करते हैं। ये वाली ट्रैक को हम इधर पास लेकर आते हैं, अब हमें आसानी से पता चलेगा। एम्प्टी ट्रैक को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रिपर डिलीट करते हैं। हो गया, सारी ट्रैक मूव हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर हमें सारी ट्रैक मूव करनी है तो हमें हमारी एम्प्टी ट्रैक को सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट और डिलीट की प्रेस करना है, या फिर राइट क्लिक करके शिफ्ट डिलीट की को प्रेस करना है।